अच्छा। अभी उनके पास बहुत बड़े मेकअप मैन है, एक असिस्टेंट है, चार मैनेजर है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। मैम कैसे कजबे, कैसे कमीना, कैसे कमीन सुन और कैसे कमाल का है टीजर, और बहुत अच्छा लगा बैड कॉप का टीजर लेकर। मैं आप दोनों से जाना चाहूंगा, कुछ नया लेकर आप हम सभी के बीच में आए। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे जो कि हम सभी को जल्दी देखने मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार पे? हाँ, ये नया है, मतलब आई थिंक वो एकदम मास एंटरटेनमेंट टाइप की चीज है। जो आदित्य दत्त वैसी वाली चीजें बनाते हैं, उनके साथ में ये दूसरी बार काम कर रहा हूँ। मैं कमांडो 3 में था उनके साथ में, तो उनकी जो सेंसिबिलिटी है, वो मनोरंजक चीजें बनाते हैं और स्टाइलिश चीजें बनाते हैं। तो इस मैंने एक कॉप का रोल किया था, द हार्ड, एक शो में आया था जिसमें बहुत ही ईमानदार और बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का कॉप किया था। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया, इन्होंने निर्देशन दिया, तो मुझे लगा कि ये एक फिल्मी कॉप करने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा मुझे पता नहीं। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट, तो बहुत मजा आया। मतलब तो काफ़ी कॉमेडी भी है और काफ़ी एक्शन भी है, तो हमें तो मुझे तो करते हुए बहुत मजा आया था। कि आपको उम्मीद है, आपको ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है कि आप देख लो आपके इसके साथ क्या करना है। बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस तो बहुत ही, हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं सब, और हम कैरेक्टर पिक करने जनता जनार्दन कैरेक्टर पिक करने मेरे लिए बहुत ही एक खास बात मुझे इसकी ये लगी कि हर ऑडियंस भी उनसे रिलेट करना चाहता है, जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा एक्शन हो। आई थिंक वी इंडियन ऑडियंस आई थिंक उनको बहुत पसंद करती है, तो इसमें सब कुछ है मिला जुला के। इस में हर तरह के इमोशंस, एक्शन से लेके आपको ड्रामा और फन, थोड़ा लव स्टोरी, लॉट ऑफ मसाला आल्सो यू विल गेट टू सी, व्हिच इज गोना बी सो मच फन। सो आई थिंक, आई एम श्योर अभी ऑडियंस को पसंद आए, उन्हीं के ऊपर है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अनुराग सर को एज अ डायरेक्टर तो काफी ज्यादा पसंद किया ही गया था, बट इसमें एज अ मेल लीड वो काम कर रहे हैं, तो किस तरह का डिफरेंसेस आपको लगा? हाँ, तो वही कि मेन लीड है ना, तो अभी उनके पास बहुत बड़े मेकअप मैन है, एक असिस्टेंट है, चार मैनेजर है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है किस नहीं, वो काफी अच्छा कर लेते हैं एक्टिंग, क्योंकि वो थिएटर करते थे पहले। जब वो पहले पहले मुंबई आए थे, तो मकरंद सर के साथ बहुत नाटक किया उन्होंने, कई सारे शोज किया, लेकिन वो फिल्म मेकर ही बनना चाहते थे, कहानीकार ही बनना चाहते थे, तो उसपे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। जब उनको लिखने का और डायरेक्शन करने का मौका मिला, तो फिर उधर चले गए। लेकिन एक्टिंग की समझ है, क्राफ्ट की समझ है। हाँ, हमारे जितना इंटरेस्ट लेके नहीं करते, लेकिन बिल्कुल वो कला की समझ है उन्हें, करते हैं, अच्छा करते भी। और मुझे लगता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। मजेदार रहा उनके साथ, क्योंकि बतौर डायरेक्टर भी मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, वो मेरे प्रोड्यूसर भी बने हैं, आगे भी मेरे एक बच्चों की फिल्म की है हमने, विक्टर थॉमस, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। तो एक अनुभव ऐसा भी रहा मेरा कि उनके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर किया और खूब सारी बातें की हमने, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर रहे थे तो बैठ के हम लोग बहुत गप्पे मारते थे और मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, और दुनिया भर की बातें की हमने। ये अनुभव मेरे पास पहले नहीं था, अब मिल गया। प्रोड्यूसर भी थे मेरे, क्योंकि हंटर के प्रोड्यूसर थे, शैतान के प्रोड्यूसर थे, और पेडलर्स के भी प्रोड्यूसर बने, तो बहुत खुश किया। आई थिंक दोनों एंजॉय किया, बिकॉज मेरी शुरुआत उनसे हुई थी ना, मेरी सबसे, मेरा पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया था और बहुत भरोसा किया था, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था। देवडी के बाद वो एक छोटी फिल्म बनाई थी, उसमें एक बहुत बढ़िया रोल मिला था, तो उसके बाद शैतान जैसी फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो मेरे लिए वो काफ़ी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। मैं आज उसी की वजह से काम कर रहा हूँ, जो भी काम मिल रहा है, तो मैंने वो भी एंजॉय किया, लेकिन ये भी मैंने एंजॉय किया। मैं जानता था कि वो एक्टर एक्टिंग करते हैं, कई सारे ऐसे डायरेक्टर हैं करते हैं एक्टिंग की समझ में, लेकिन वो पहले इतना नहीं करते थे, लेकिन आजकल कर रहे हैं। और उनके साथ बैठ के बात करने का अनुभव ज्यादा नहीं था, क्योंकि वो पहले वो डायरेक्टर थे, तो फिर एक पूरी भी थी बीच में, तो वो एक अनुभव मेरे लिए खास है इसमें, जो दो लोग आपस में बैठ के, दो क्या कहते हैं कॉलीग्स, दो एक्टर आपस में बैठ के जो बातें होती, वो मैंने किया नहीं था उनके साथ में, जो थोड़ा बहुत उनको जानने का मौका मिला मुझे। इवन
आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपको कैसा कैरेक्टर मिलेगा और लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सो आफ्टर डूइंग स्पेशल ऑप्स और खाकी के बाद, मुझे खाकी के बाद काफी उस टाइप के रोल्स मिलने शुरू हुए थे, मीका देवी के बाद उषा देवी और सिमिलर कैरेक्टर्स जो मुझे वो ब्रेक करना था और मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था. तो मैं उसी के उस पूरे प्रोसेस उसके बाद मैंने मुश्किल से 6-7-8 महीने मैंने जितने भी स्क्रिप्ट आए थे मैंने उनको पढ़ के मना कर दिया था कि मुझे सिमिलर कैरेक्टर अभी एट दिस पॉइंट मे बी आई वुड नॉट लाइक टू डू इट बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस दैट वुड हैव परफॉर्म्ड योर कीकी विच इज अ कम्प्लीट कॉन्ट्रास्ट. जो मीता देवी थी वो पूरी देसी थी, ये पूरी ग्लैम है. तो ये बहुत ही आई वॉज लुकिंग फॉर दिस. फिलहाल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने मैसेज किया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खाकी भी देखी है एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंशन इवन बाय अनुराग सर. मैंने काम उनके साथ नहीं किया पर उन्होंने मेरा काम देखा है और काम के थ्रू अनुराग सर अगर कहीं बोल दे कि इनका काम अच्छा है तो लोग उसको सच में सीरियसली लेते हैं बिकॉज उनका काम खुद का भी इतना वो कुछ भी बोलते हैं लोग सीरियसली ले लेते हैं. नो डेफिनेटली देयर इज नो डिनायल. सो उसके उनके मेंशन से अ लॉट ऑफ इन द प्रोडक्शन आल्सो दे रियली लाइक माय प्रीवियस वर्क. तो उस वजह से मैं कहूंगी कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मीता के बाद एक कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में बिलीव करना कि हाँ ये कर पाएंगी वो काफी मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में देखा कि मैं उसके ऑपोजिट कैरेक्टर को कर सकती हूँ. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने किया है, मैंने पूरी कोशिश की है. आई होप आप लोगों को पसंद आए और प्लीज बताइएगा कैसा लगा. गुलशन जी मैं आपसे जाना चाहूँगा, सौरभ सर आपके साथ अनुराग सर है तो मुझे जब बताया गया था, मेरे पास आया ही था कि दिस इज़ फॉर द लीड कैरेक्टर विद गुलशन देवैया, सौरभ सचदेवा, हरलीन एंड तब अनुराग कश्यप. ये इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी एज अ ब्लूमिंग एक्टर. आई काइंड ऑफ फील पर्सनली कि मेरे लिए इट्स अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद सच फॉर मी. आई थिंक workshop. उसके बाद आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. तो काफी अच्छे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ में हमारी रिहर्सल्स नहीं होती थी और सौरभ उनका काम देखा हुआ था मैंने क्योंकि सेकंड गेम से शुरुआत की थी उन्होंने. तो मैं उनके जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वो बहुत यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो मैं देखता हूँ ये सब सुनता हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ ना. तो मैं ऐसे जानकारी मतलब लोगों को सुन के उनका काम देख के और तजुर्बे से किताबें पढ़ के ऐसे सीखा हूँ. तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको. तो एक आइडिया था कि ये क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. तो सेट पे पहली बार हमारी एक्चुअली मुलाकात हुई, इससे पहले कुछ अवार्ड फंक्शन वगैरह में हाय हेलो हुई है बस, लेकिन बैठ के ऐसे गप्पे नहीं मारे. एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मी, मुझे बहुत ये इंटरेस्ट था कि वो क्या है, उनकी जिंदगी कहाँ से आए, क्यों आए, ऐसे कैसे आए, उनका क्या तजुर्बा रहा है, उस किस नजरिए से देखते हैं, उनके क्या अप्रोच है, वो सब एक जानने का मौका मिला. और उनके लिए भी उन्होंने मेरा प्रोसेस तो आप फिर कुछ नया आपको दिखता है, हाँ मैं कर सकता हूँ ये. लेकिन क्योंकि वो एक्टिंग ट्रेनर है वो ये माइंडसेट लेके नहीं आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वैसा बिल्कुल नहीं. वेरी इजी टू वर्क विद, वो अपना प्रोसेस वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इट वाज अ प्लेजर. वो इंटरेस्टिंग आदमी है, उनके सोच विचार काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बहुत जाने माने एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, उनको ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो मैं ऑब्जर्व करता था कि उनका क्या प्रोसेस है, वो किस रोल को कैसे अप्रोच करते हैं. सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी.
बाकी आपने मेमोरी की बात की, हमारा कुछ जो हमारा विंडो हॉपिंग सीन है आई थिंक वो हमेशा यादगार रहेगा. अच्छा वो मेमोरी का बहुत हां मैं वो तो एक्शन सीन्स में आई आई थिंक मेरी वो क्या वो कैमरा पे नहीं बोल सकता वो फट गई थी ना तो उन्होंने हां मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आई मीन बट इन्होंने संभाला आई थिंक हम में से कोई गिरने वाला भी था. मुझे लगा मैं इनको संभाल रहा हूं लेकिन मैं नहीं संभाला एक्चुअली नहीं संभाल रहे थे मुझे पता था मुझे नहीं संभाल रहे थे आप नहीं नहीं ऊपर था मुझे लगा कि मैं आपको संभाल रहा हूं लेकिन मैं मेरी खुद ही हालत इतनी खराब थी वहां पे तो मैंने संभाल लिया बट ये एक एडॉप्शन है एक जर्मनी ड्रामा की. हां ऐसा मैंने सुना है मैंने भी सुना है दोस्त तुमने भी सुना है एक अफवाह नहीं है है एक जर्मन शो है आई थिंक जिसका नाम भी बैड कॉप है तो रेंसेल डी सिल्वा जो फिल्म मेकर है उन्होंने इस चीज को लिखा है इसका एडॉप्टेशन किया है अनुवाद किया अनुवाद भी नहीं है एडॉप्टेशन है तो क्योंकि मुंबई की कहानी है उस हिसाब से किरदार कहानियों में कुछ बदलाव है कितना एग्जैक्टली मुझे पता नहीं बिकॉज मुझे सोर्स मटेरियल के बारे में कोई जानकारी है ना मैंने देखा हुआ है खाली गूगल करके पोस्टर देखा है थोड़ी बहुत सिमिलर है कहीं ना कहीं मालूम नहीं है मुझे नहीं मालूम आपने देखा है तो आपको मालूम होगा मैंने काफी इसके बारे में पढ़ा और देखा रिसर्चर तो मींस अगर इस तरह के कुछ आ जाते हैं जो पहले हो चुके हैं और वापस रिक्रिएट हो रहा है सो कितना डिफिकल्ट और इजी लगता है. डिफिकल्ट तो नहीं है इजी भी नहीं है डिफिकल्ट इजी आपकी तैयारी पे एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं तैयारी करके जाता हूँ किसी चीज़ को समझ के मैं करता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाता है. अब मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगा सेट पे तो डिफिकल्ट हो जाता है जैसे यहाँ पे एक्शन करना हो थोड़ी बहुत फिजिकल तैयारी करनी पड़ी मुझे क्योंकि वो है नहीं हूँ मैं एक्शन टाइप का नहीं विद्युत जानवर नहीं हूँ तो आई हैव टू प्रिपेयर मेंटली फिजिकली और मेरे लिमिटेशंस हद में रह के मुझे करना पड़ेगा तो वो सब है वो उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएंगे तो सब कुछ ईजी है. सर लास्टली आप अपने फ्रेंड्स फैमिली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस सीरीज का वेट कर रहे हैं. फ्रेंड्स फैमिली फैंस तो देखेंगे ही और बाकी लोग जो हम लोगों को नहीं जानते आप भी देख लो आप भी बन जाओगे फ्रेंड फैमिली और फ्रेंड्स है ना मजेदार चीज़ है ये. डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देखिए बैड को. एक चेयर पीछे से हटा दो पीछे ये वाला भी अंदर ले लो सर मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे आप चले पीछे पीछे हाथ कौन वाला है ये हासिम कौन है उनका भी आएगा कौन है. थैंक यू चलो लुक हियर ये सेंटर लुक आपके सामने सेंटर पे सामने ये कवर हां यार दिल में तो भी या या धन्यवाद. थैंक यू अभी नहीं सोलो 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 ट्रेन अरे रुको जरा ठीक है ट्रेन हाय बाजू का कैमरा बोलते भी हो तो मैंने हाँ सर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप लोग मिलेंगे तो मैं टांगे अभी नीचे बैठा है कौन सी वाली देखो लेफ्ट ए तू तो पास वो वाला थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बोला ना पीछे काट लेना उसका चेयर हटा चेयर कोई नहीं अरलिन जी यहाँ पर देखते हैं अरलिन जी सेंटर
वेट मैन सामने देख सिद्धेश को देखिए हरलीन मैम को और चलो मैम विरोध कर सर आ जाइए थैंक यू मैम नेक्स्ट सेकंड में हो गया सर सेकंड में भी है बताऊंगा अभी बताता हूँ अभी क्या अभी ऐसे तो हर कोई पसंद जाएगा अच्छा थैंक यू सज्जू फोटो नहीं मारे थे।